देखिए भारत एट नाइन काविंद चौहान के साथ। देश में फ्री में गुंडई का सर्टिफिकेट बट रहा है, जल्दी जल्दी जाओ और पहले पहले पाओ। ये सर्टिफिकेट है गुंडई का और ये गुंडई का सर्टिफिकेट मिलता है बिल्कुल क्लीन, इसके बाद कोई कानूनी पचड़ा नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। ये सर्टिफिकेट नाम है इसका किसान। तो किसान नाम का सर्टिफिकेट ले लीजिए और खुले आम गुंडागर्दी करिए, किसी को मारिए, किसी को तोड़िए, मंच पर थप्पड़ चढ़िए, यहां तक कि प्रधानमंत्री का काफिला रोकिए, तो फिर बोलिए कि मैं किसान हूं। और किसान से तो भारत भावनात्मक रूप से जुड़ा है, तो आजकल हर कोई किसान बनकर हुआ। अब तो मैं ये कहूंगा कि गुंडों और माफियाओं को अपने नाम के आगे किसान लगा देना चाहिए। मसलन अगर आज श्री प्रकाश शुक्ला जो एक बहुत घनघोर गैंगस्टर था, अगर वो जिंदा होता तो वो भी अपने नाम के आगे किसान लगा लेता, किसान श्री प्रकाश शुक्ला, खुलकर गुंडाई करता, खुलकर। विकास दुबे अगर आज जिंदा होता तो नाम के आगे किसान लगा लेता, किसान विकास दुबे, खुलकर गुंडाई करता। सर्टिफिकेट है भाई, कानूनी पचड़ों से दूर, कानून से ऊपर, किसी को मारो, तोड़ो, हत्या करो, थप्पड़ मारो, कोई समस्या, कोई समस्या। दर्शकों, बीते 1.5 सालों में हमने ये सब कुछ देखा कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर को सीरिया बना दिया गया, लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, मारकर उल्टा लटका दिया गया, किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर गुंडई हुई, ये सबने देखा, सारी तस्वीरें हैं। 26 जनवरी को किस तरह से पुलिस वालों को घेर कर पीटा गया, सबने देखा, सारी तस्वीरें हैं। लेकिन आजकल दरअसल नैरेटिव चेंज हो गया, अब बीजेपी के विधायक घरों में दुबकने को मजबूर है क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद ही उटान लेकर वापस लौटना पड़ रहा है। भाई किसान है, कुछ भी कर सकते, खुली छूट जो है, और दे कौन रहा है खुली छूट? खुली छूट दे रहे हम और आप। कृषि प्रधान देश है ये, यहां जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है, लेकिन किसान कौन? बहरूपीय किसान नहीं, गुंडे किसान नहीं, किसान दरअसल वो जो हल जोतता है, वो किसान। जैसे पत्रकार भी आजकल बड़े अलग अलग हो गए हैं, एक मिट्ठू पत्रकार है, वो पत्रकार है जो या तो विपक्ष का गुणगान करते हैं या सरकार का गुणगान करते हैं, या तो सत्ता से सवाल करते हैं या सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, वो वॉचडॉग की भूमिका में नहीं है, वो सच दिखाते नहीं है, सच से डरते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से सवाल करते हैं। तो आज ये सवाल है कि क्या देश में ये किसान नाम का चोला ओढ़े कुछ लोग गुंडई करने का पासपोर्ट जेब में लेकर घूमते हैं तो क्या किसी को भी मारेंगे, किसी पर भी हमला कर देंगे? भारत एट नाइन में आज यही सवाल हम उठाएंगे इन तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि देखिए, मंच पर बैठे थे, उन्नाव की ये तस्वीर है, मंच पर बैठे थे विधायक पंकज गुप्ता। एक किसान मंच पर पहुंचता है और मंच पर पहुंचकर वो विधायक को थप्पड़ रसीद कर देता है, थप्पड़ रसीद। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस तस्वीर को फिर देखिए, ये देखिए विधायक बैठे हुए हैं, विधायक जैसे ही मुड़ते हैं देखते हैं अच्छा किसान है, पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन किसान नेता थप्पड़ जड़ देते हैं। तो किसान नेता के पैर छूने के लिए विधायक जी आगे बढ़ते हैं, किसान नेता थप्पड़ जड़ देते हैं। ऐसे में जब पुलिस किसान नेता को पकड़ने आती है तो विधायक जी कहते हैं कि रुकिए मत पकड़िए, किसान। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये कौन से किसान है जो ऊपर चढ़कर मारने की कोशिश करते हैं? इन किसान का नाम छत्रपाल है, किसान नेता है, मंच पर चढ़ गए, बीजेपी विधायक सामने है, पैर छूने के लिए आगे बढ़े कि हरी टोपी लगी है तो किसान नेता है, लाइए पैर छू लेते हैं। लेकिन किसान नेता जी ने तो थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारकर पुलिस ने सीधे नीचे कर दिया क्योंकि ये अपराध नहीं, क्योंकि वो किसान, क्योंकि ये किसान है, अपराध नहीं। अब आपको बताता हूं इस मामले की गंभीरता क्या है। इस मामले की गंभीरता यह है कि पंकज गुप्ता एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसको वोट दिया है उन्नाव की, उसको पप्पू ने वोट दिया है, सुरेश ने वोट दिया है, संजीव ने वोट दिया है, प्रकाश ने वोट दिया है, सुशील ने वोट दिया है, ननकू ने वोट दिया है, रज्जाक ने वोट दिया है। ये जो थप्पड़ जड़ा है ना, ये सबके गालों पर थप्पड़ मारा गया है, ये उन्नाव की जनता के गाल पर थप्पड़ पड़ा है, ये सिर्फ पंकज गुप्ता के गाल पर थप्पड़ नहीं था, ये उन्नाव की जनता के गाल पर थप्पड़ है।
और ये पहली दफा नहीं। इससे पहले मुजफ्फरनगर में जाने कितने ही विधायकों पर हमला हुआ। सिसौली में राकेश टिकैत का गांव है सिसौली, और राकेश टिकैत के गांव में अब पुलिस जाने से थर थर कांपती है, क्योंकि कभी भी हमला कर सकते हैं और कानून से ऊपर है, तो समस्या बहुत है। तो क्या किसान नेता की आड़ में अब जंगल राज लौट आया? क्या किसान नेताओं को पूरी छूट है कि किसी को भी मारे तोड़े कुछ भी कर सकते हैं, कानून से ऊपर है, किसान है किसान? भारत एट नाइन में आज सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल है मेरे कि किसान आंदोलन तो बहाना, बीजेपी नेता है निशाना। अब जो छोटे छोटे किसान आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह, इनमें किसान नेताओं को मारा जा रहा, बीजेपी नेताओं को मारा जा रहा है। लड़ाई सरकार से है या बीजेपी के नेताओं से, ये सवाल है। हाथ पैर चलाकर अब हक लेंगे, तो हाथ पैर चलाकर हक लिए जाएंगे क्या? स्वघोषित किसान है तो कानून हाथ में लेने का हक है, सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह हक है? बक्कल उतार देंगे वाली सोच से मुक्ति कब मिलेगी भाई? ये बक्कल कब तक उतारे जाते रहेंगे? बीजेपी में प्रधानमंत्री से लेकर क्षेत्रीय मंत्री तक खतरे में हैं, सब खतरे में। बाहर निकलो किसान नेता थप्पड़ मार दें। बीजेपी नेताओं की जान लेने पर आमादा है क्या ये किसान, जो किसानों का चोला उड़ रखा है? तो थप्पड़बाज किसानों पर सवाल करना गलत है क्या? ये गलत है क्या, ये मैं पूछ रहा हूं। तो ये सवाल है मेरे कि थप्पड़बाज किसानों पर क्या यूं ही हमले होते रहेंगे? ये तस्वीर मेरे बाजू में चल रही है, लेकिन उससे पहले फुल स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ताकि आप पहले निश्चिंत होकर ये फुल स्क्रीन पर एक तस्वीर देखें। फुल स्क्रीन पर तस्वीर, तो फुल स्क्रीन पर इस तस्वीर को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये किसान है, थप्पड़ जड़ते हैं ये किसान है, सरेआम नेताओं को मारते हैं, जनप्रतिनिधियों को मारते हैं ये किसान है, प्रधानमंत्री का काफिला रोकते हैं ये किसान है। फुल स्क्रीन तस्वीर को दिखाइएगा, ये फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए और कुछ सेकंड के लिए उस माहौल में जाइए, उस जहन में जाइए कि आपको किसान किस कदर मंच पर चढ़ के पीट दे। देखिए तस्वीर देख ली, एक जनप्रतिनिधि को मंच पर चढ़कर थप्पड़ मार दिया, लेकिन होना कुछ नहीं, क्योंकि भाई किसान किसान है तो सड़क को घेर कर रखेंगे, किसान है तो कुछ भी करेंगे, किसान है तो विधायकों को जमकर पीटेंगे, किसान है तो किसी पार्टी के नेताओं को सड़क पर उसके कपड़े उतार देंगे, कपड़े फाड़ देंगे, क्या कर सकते हैं भाई, किसान ही तो है किसान। ये नई परिभाषा है, अब किसान का निबंध अगर लिखाया जाए कक्षा एक में, तो ये मत बोलिएगा कि किसान वो है जो खेती करता है, किसान वो है जो हल चलाता है, ये सूडो किसान है, ये किसान वो है जो नेतागिरी करते हैं, ये किसान वो है जो जनप्रतिनिधियों को थप्पड़ मारते हैं, ये किसान वो है जो सियासत करते हैं, ये किसान हिंसक हैं, ये किसान है, ये सूडो किसान है। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो को जरा चलाइएगा, इस वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के किसान हो चुके हैं, ये तस्वीर देखिए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये पंजाब के मुक्तसर साहिब के मलोट कस्बे का है, जहां पर बीजेपी विधायक के साथ सरेआम पिटाई करी गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वीडियो पुराना है, लेकिन देखिए किस तरीके से पीटा गया। और इसके बाद किसानों ने कहा कि अगर यही हालात अब हरियाणा में भी होने वाले हैं बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के साथ, सुधर जाओ, किसान नेता कह रहे हैं, वरना सरेआम पीटेंगे, कपड़े फाड़ देंगे। पिटाई होने लगी है अब किसान नेता, सूडो किसान नेता। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, अब वो जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इसलिए है कि अगर बीजेपी कोई पॉलिसी बनाती है, क्योंकि वो सरकार में है, अगर आप उस पॉलिसी के खिलाफ हैं तो इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे।
एक मुसलमान ही मुसलमान को शराब पिला रहा है, क्योंकि जो मुसलमान है वो बीजेपी से है और एक पॉलिसी के अगेंस्ट दूसरा मुसलमान था तो वो शराब पिलाने लगा। ये वीडियो देखिएगा जरा। शाम को तो सीए एनआरसी एनपीआर का खुला समर्थन कर बैठे थे ये भाई साहब जनाब। इनका नाम है इनायत हुसैन, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन है और बीजेपी के नेता भी हैं। तो समर्थन कर दिया और लोग आ गए पीट दिया। तो अब अगर सरकार में पॉलिसी बनेगी, सरकार में कोई कानून बनेगा या सरकार कोई कानून लेकर आएगी तो क्या सरेआम पिटाई होगी? तो किसानों ने इसकी शुरुआत कर दी। अब तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा गया है, प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा गया है, उनको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये क्या कुछ हो रहा है? ये गुंडई का सर्टिफिकेट कहां से मिल रहा है और ये कौन से किसान है जो हिंसक है? क्या अब निबंधों में सुधार की जरूरत है? क्या कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के बच्चों को बता देना चाहिए कि किसानों पर जो निबंध लिखे जाएंगे ना, वहां पर यह नहीं लिखा जाएगा कि किसान खेती करता है, किसान अनाज उगाता है, किसान हल चलाता है। अब यह भी लिखना चाहिए कि एक और तरह का किसान है जो हिंसक है, जो सियासत करते हैं, जो पिटाई करते हैं। इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सवित मलिक साहब जुड़ेंगे, किसान नेता हैं और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों जुड़े हैं लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, एम्बियंस के साथ इस वीडियो को चलाइएगा, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। वैभव जी आप भी, सवित मलिक साहब आप, इस वीडियो को देखिएगा फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो चलाइएगा। अरे भाई अनिच्छा बहुत करी है। अरे क्या हुआ अरे वो प्यार हमारा है। तो चलिए सवित मलिक साहब, सवाल कड़वे हो सकते हैं लेकिन सवाल तो कड़वे ही होते हैं, जो मीठे होते हैं वो सवाल ही कहाँ, वो तो जवाब होते हैं या फिर वार्तालाप होता है। सवित मलिक साहब ये बताइए, ये तस्वीरें इतनी आम क्यों हो गई हैं? इसको नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है? किसान नेता होने के नाम पर इतना साहस कहाँ से आता है कि मंच पर चढ़कर आप जनप्रतिनिधि को थप्पड़ मार सकते हैं? इतना साहस तो आ चुका है कि आप प्रधानमंत्री को बीच सड़क रोक लेते हैं। मतलब ये क्या चल क्या रहा है? किसान नेता होने के नाम पर ठीक है गुस्सा है, आप हजार मैटर हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है। हम भी कई दफा पत्रकार की हैसियत से कई दफा सरकार की पॉलिसियों से किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, तो क्या पिटाई कर देंगे, मारेंगे? जी कावेन चौहान जी, एक सेकंड, ये जो थोड़ा पीछे से कहूंगा, ऑडियो को फिक्स करिएगा जरा, ऑडियो को जरा वॉल्यूम रेज करिएगा। जी सवित मलिक साहब रखिए। कावेन चौहान जी, ये जो हुआ है ये बहुत दुखद घटना है, ये निंदनीय है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन आप एक से सारे किसानों को नहीं जोड़ सकते। जैसे कि राजनीतिक दल हैं, अभी आपने देखा था उन्नाव में ये घटना हुई थी जिसमें एक विधायक जी थे उन पे तमाम आरोप लगे और वो जेल चले गए, तो ऐसा नहीं कि पूरी पार्टी खराब हो गई। और इस किसान के बारे में जो हमने जानकारी ली, ये किसान बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, ये रात भर अपनी फसल की निगरानी करता था और उसके बाद भी इसकी फसल को पशु चर गए। इसके पास खाने के लिए जो गेहूं बोया था वो नहीं बचा, तो इसको बड़ा दुख हुआ, ये आक्रोशित हुआ और इसने जाकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये दुखद है, ये निंदनीय है। ठीक है, फिर भी आप कहते हैं कि दुखद है निंदनीय है, ये अच्छी बात है कि आप इसको दुखद बता रहे हैं, निंदनीय बता रहे हैं। अब मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, अब उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है बीते 10 दिनों से, क्या करे? वो कमिश्नर साहब को जाकर थप्पड़ मारे या सरकार के किसी नुमाइंदे को जाकर थप्पड़ मारे, कैसे?
निंदनीय है वो तो हम बाद में कह देंगे, अब यही तो इलाज यही है। हमने बक्कल उतारना क्या होता, बक्कल तो ऐसे उतरेगा ना। नहीं देखो, ये तो मैंने आपको एक दूसरा उदाहरण भी दिया कि पार्टी है, पार्टी के विधायक है, वो तमाम केस कर रहे हैं, जेल में है, तो ये थोड़ा ही है कि पूरी पार्टी को बदनाम कर देंगे। ये कहीं ना कहीं घटना हो जाती है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और हम पहले दिन से कहते हैं कि जब भी आंदोलन होगा अगर वो महात्मा गांधी के तरीके पर होगा तो वो सफल होगा, अगर उसमें हिंसा होगी तो वो कमजोर होगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। दूसरी, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, प्रधानमंत्री जी के काफिले के आसपास भी किसान नहीं थे। वहां पर जो विजुअल आ रहे हैं आप देखोगे, वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों में बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और उसमें आप जानते हो कि चूक खाली पंजाब सरकार से नहीं हुई है, केंद्र की एजेंसियों की भी चूक है, और स्वीकार करना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी उस दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसान जो आजकल बीजेपी के नेताओं को घेर घेर कर मारपीट कर रहे हैं वो गलत है, ये तो नहीं, घेर घेर के जो कर रहे थे जब तक आंदोलन चला, जब तक हम रोक रहे थे, लेकिन जब से हमारा आंदोलन दिल्ली से समाप्त हुआ है। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, आपने कहा जब तक आंदोलन चल रहा था तब तक घेर घेर कर पीट रहे थे, अगर सोचिए सरकार आपको घेर घेर कर पीटने लगती फिर 12 से 15 मिनट में बोरिया बिस्तरा टपरी सब सिमट जाता उसका। हमने तो डेमोक्रेसी में इसकी जगह नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, डेमोक्रेसी में इसकी जगह कहाँ है। जिम्मेवारी ली, मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया उसकी किसानों ने जिम्मेवारी ली, जहाँ जहाँ काले झंडा दिखाए उसकी जिम्मेवारी ली, क्योंकि जिम्मेदारी लेना नहीं है। मैं यहाँ पर और कुछ बात कर रहा हूँ, कि इतना साहस कैसे आ गया कि अब मंच पर चढ़कर मारपीट होने लगी है, अब रास्ते रोकने लगे हैं। जिम्मेदारी तो आईएसआईएस भी लेता है, जिम्मेदारी तो अलकायदा भी लेता है, जिम्मेदारी तो आईएसआई भी लेता है, जिम्मेदारी तो पाकिस्तान भी लेता है, जिम्मेदारी तो हर कोई ले सकता है, जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है। इतना साहस आपने भर दिया है, एक ऐसा सर्टिफिकेट बटने लगा है कि अब हिम्मत आने लगी है कि हम किसी को सर्टिफिकेट बांटने का काम बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग करते हैं, किसान नहीं करते हैं। यही हमको खालिस्तानी, नक्सली, पाकिस्तानी, देशद्रोही, यही सब लोग कह रहे थे। किसान कभी सर्टिफिकेट नहीं बांटता है, किसान अपनी खेती करता है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है, और वो भी गांधीवादी तरीके से लड़ता है। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी भी मेरे साथ हैं, बीजेपी से विधायक, आप बीजेपी से हैं। वैभव अग्रवाल साहब, मेरे मुंह से निकलने वाला था बीजेपी से विधायक हैं, तो आपको पहली बात तो शुभकामनाएं आगे चलकर। ठीक है, अब वैभव जी ये बताइए, बाहर निकलते हैं, हरी टोपी, रेड अलर्ट तो है, लाल टोपी तो है, लाल टोपी तो खतरा थी ही थी, अब हरी टोपी देख रहे हैं, मंच पर चढ़कर पिटाई हो रही है, हाथ चल रहे हैं। कविंद्र भाई और चौधरी जी से हम पहले भी वार्तालाप कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर ज्यादा बातचीत करने की जगह है इस मसले पे। जो हुआ वो सही नहीं हुआ और क्योंकि वो किसान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका जो संगठन है, उसके अंदर नीचे तक बात जानी चाहिए कि जो हुआ वो आगे दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो आप एक ही तलवार के दो पहलू नहीं बना सकते हैं कि हम निंदा करते हैं, अगर आपकी जिम्मेवारी नहीं है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, आप जिम्मेवारी मत लीजिए, लेकिन यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप जिम्मेवारी लेते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप संगठन को सही रूप से चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यदि आप संगठन को संगठनात्मक तरीके से चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और संगठन का संगठनात्मक रूप आपको दोबारा देखना चाहिए और उसके प्रारूप को ठीक करना चाहिए, और वहाँ पे जो लोग हैं संगठन के हिस्सा है उनको संगठन की मान मर्यादा को कैसे आगे ले जाना है वो रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप ही का मंच खराब होता है। नेता को मार दिया या किसी और की रास्ता रोक लिया, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गलत कार्रवाई करने की कोशिश करी गई, मैं उसकी कठोर निंदा करता हूं और मेरे ख्याल से तो मैं ये भी समझता हूं कि किसान राजनीति का एक हिस्सा बन रहे हैं जो कि गलत है उनके संगठन के लिए दोबारा,
क्योंकि वो कहते हैं कि हम कोई भी राजनीतिक दल से विचार नहीं रखते हैं, हम किसानों का विचार रखते हैं, जो कि बात भी सही है। तो मेरे ख्याल से सिक्के के दोनों पहलू को आप अपनी जेब में रख के नहीं चल सकते, आपको या तो इधर होना पड़ेगा और या इधर होना पड़ेगा। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक म्यान में एक ही तलवार चलती है और तलवार की एक ही धार होती है, तलवार कभी भी दोधारी नहीं होती। दोधारी तो चाकू होता है जिस जो पीठ में छुरा घोंपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि किसानों की वो मंशा नहीं है, और मैं समझूंगा कि किसान भाई हमारे इस चीज से सचेत रहें और संगठनात्मक रूप से मलिक जी को अपने संगठन में बात करनी चाहिए, वो अपने संगठन के बड़े नेता हैं और अपने नेता को अपने पटल पे बात रखनी चाहिए। ठीक है महबूब जी, एक और चीज है, पश्चिम बंगाल में जिस कदर देखा गया कि बीजेपी के नेता हूँ कार्यकर्ता हूँ किस कदर मारपीट की गई, अब ऐसा हमने सिसौली में भी देखा था कि एक विधायक जी थे उनके खिलाफ क्या नहीं किया गया, पंजाब में तो खबरें आती ही रहती हैं। आपका जो संगठन है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा उस मात्रा की नहीं दे पा रहा है। हाँ, लेकिन हम अपने ही देश में किससे सुरक्षा दें किसी को, मेरा ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री जो कि आपके भी हैं, मलिक जी के भी हैं और सभी के हैं, टीएमसी के प्रधानमंत्री भी हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी हैं, उनको सुरक्षा किससे दें? वो अपने देश में सड़क पे निकले हैं और उनके लिए जो कि एक माप तैयार हुआ है उस माप से ही उसको भटका दें, और जबकि इंटेलिजेंस इनपुट है अभी, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम देश की राजनीति को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? ये अराजकता का एक एग्जांपल है, और ये राजनीति का अराजकता का एग्जांपल है। ठीक है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये सोचता हूँ, मेरे को और आपको देश में, हमारे अपने देश में किसके लिए सुरक्षा चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारे को राजनीतिक प्रारूप से सुरक्षा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस अराजकता को हमने राजनीतिक चोला पहनाया हुआ है। ठीक है सबित मलिक साहब, ये बहुत गलत है। ठीक है सबित मलिक साहब, आपको नहीं लगता कि आपके साथी राकेश टिकैत साहब ने जो कहा था कि बक्कल उतार देंगे, इसका गलत मैसेज चला गया आपके लोगों के बीच, अब सब बक्कल उतारने में लग गए? कावेन चौहान जी, बक्कल उतारने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं देखिए ऐसा है, जिनको बक्कल उतारने का स्पष्ट रूप से मतलब नहीं पता है उनको मैसेज ये जाता है कि सामने वाले को धोकर रख दो, ये है। कावेन जी, अगर मीडिया पे कुछ बता सकता है तो मेरे को भी बता दीजिए, बक्कल उतारने का क्या मतलब होता है, मेरे को भी नहीं पता है। नहीं, कुछ और मतलब हो सकता है, बता रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस होती है, बताइए क्या मतलब है बक्कल उतारने का? नहीं, बक्कल उतारने से कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई इस पे कानूनी धारा नहीं है, ये एक लोकल लैंग्वेज है। वैभव जी भी जानते हैं, ये जानबूझ कर अनजान बन रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा वैभव जी को कि देखो हमारे तो अराजनीतिक संगठन है, बहुत सारे अलग अलग संगठन है। नहीं तो इसका मतलब क्या, बक्कल उतारने का मतलब क्या है? बक्कल उतार देंगे का मतलब क्या है? जैसे अब मैं किसी के लिए कहते हैं कि धो देंगे, तो उसके बहुत दो तीन मतलब निकल जाते हैं, धो देना अलग तरीके का भी होता है, धो देना अलग तरीके का भी होता है, तो बक्कल उतार देंगे क्या मतलब था? अब ये तो जिसने बयान दिया था वही इसका उल्लेख अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे 500 संगठन हैं और फिर भी मेलजोल के साथ चल रहे, लेकिन इनकी पार्टी बीजेपी तो एक है, फिर भी उसमें तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम इनके विधायक 140 विधायक में ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक, 34% इनके मंत्री ऐसे जिनके ऊपर आपराधिक, इन सब के लखीमपुर की घटना में केंद्रीय गृह मंत्री बयान देता है कि अब से पहले मैं क्या था और अब क्या हूं मैं देख लूंगा, उसके बाद इतनी घटना होती है, उसको नहीं हटाते हैं तो क्या इनके पास अच्छे लोग नहीं है? अरे उनको हटाना चाहिए, ठीक है, उस मामले में बर्खास्त करना चाहिए, वो अलग, अब तो उसमें चार्जशीट होगी, उसमें ये भी बता दिया, एसआईटी ने कह दिया कि प्लानिंग करके हत्या की गई है। अरे सवेत मलिक साहब, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, उसमें तो आपने तर्कों के साथ नहीं, अलग बहस का मुद्दा नहीं है वो, तो आपने मतलब एक किसान थप्पड़ मार देता है तो वो अलग मुद्दा है, और एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा 5 किसानों को कुचल देता है वो अलग मुद्दा है। ये लड़ाई थप्पड़ मारना बड़ी बात होगी, थप्पड़ मारना बड़ी बात हो गई और कुचल कर मारना बहुत छोटी बात होगी आपके हिसाब से। ये लड़ाई कब रुकेगी? ये बीजेपी नेता वर्सेस किसान जो चल रही है लड़ाई, ये कब रुकेगी? या यूं ही हिंसा होती ये है? जब ये झूठ बोलना बंद कर देंगे, लोग ठगना बंद कर देंगे,
भावनाओं से खेलना बंद कर देंगे, वादे किए वो पूरा कर देंगे, तब ये लड़ाई कहीं ना कहीं रुकने की बात है। तब आप इनके साथ तब आप मारपीट करना बंद कर देंगे? अरे मारपीट नहीं कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मारपीट करने का काम ये करते हैं, किसानों को कुचलने का काम ये करते हैं, उसको केंद्र में गृह राज्य मंत्री ये बना के रखते हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्र में गृह मंत्री आते मुख्यमंत्री आते बराबर की कुर्सी पर ये बैठाते हैं। इनके पार्टी में जाने के बाद आदमी गंगा जल से नहा जाता है, उससे पहले वो दुराचारी होता है, हत्यारा होता है, वो पापी होता है। तमाम ऐसे नेता जो चले जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सवित मलिक साहब, ऐसा नहीं लगता कि ठीक है बीजेपी के नेता भी हिंसक हैं? कई दफा देखी हैं तस्वीरें, आप सबको पता, लखीमपुर कांड सबको पता, आपस में जूता मारते हैं सांसद विधायक, ठीक है लखीमपुर आपस में जूता खेलते हैं, लखीमपुर खीरी कांड भी सबको पता है, किसानों की तरफ से भी एक्टिविटीज हुई सबको पता है, इसका अंत क्या है? क्योंकि अगर ये इसी कदर बढ़ती जाएंगी तो ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि ये देश को जलाने की साजिश हो रही है। देखो किसान को बहुत बार इन्होंने उकसाने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री ने उकसाने का प्रयास किया, तमाम नेताओं ने उकसाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी किसान ने अपना धैर्य बना के रखा, अपनी लड़ाई लड़ी और उसमें भी उसको अभी कुछ नहीं मिला है। इन्होंने कोरे आश्वासन दे के घर भेज दिया है, इन्होंने हमारे घर में एक सांप छोड़ा था, वो सांप इन्होंने पकड़ लिया है, हमको क्या मिला है? हमारे परिवार के 700 कुछ शहीद हो गए, हमको क्या दिया इस सरकार ने? तो मैं बता रहा हूँ क्या मिला, राघव जी बैठे हैं अभी बता दें, आंदोलन से कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन आंदोलन चला, क्या आंदोलन से कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो बड़े नेता बन गए, समझ रहे हैं आप मेरी? नहीं, वो तो उन्होंने खोया भी तो बहुत कुछ है। ठीक है, राकेश टिकैत साहब ने क्या खोया होगा? 3-4 आंसू खोए होंगे और क्या खोया होगा? चलिए ठीक है, अरे 3-4 आंसू खोए, अगला घर छोड़कर 13 महीने सड़क पर लेटा रहा, आप भी लेट कर देंगे 13 महीने? ठीक है मैं बोलूं कुछ? ठीक है वैभव अग्रवाल साहब बोलिए आप, 13 दिन घर से बाहर रहिए पहले जी पता लगेगा। ठीक, देखिए मलिक अग्रवाल साहब, मैं आपसे छोटा हूं और आपसे अर्ज करूंगा कि मैं आपको नसीहत देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं राष्ट्र स्तर पर राजनीति कर रहा हूँ और सर्टिफिकेट या नसीहत तो मेरे को आपसे देनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कि 13 दिन रहे नहीं रहे आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, और मेरी गुजारिश है कि आप मेरे बारे में जरूर पता करें और नहीं कुछ तो गूगल ही कर लें। तो 13 दिन या 130 दिन 360 दिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट, तो अपन सर्टिफिकेट ना देने की गलती, जहाँ तक अराजकता की बात है और आपकी एग्जांपल्स हैं वो मेरे संगठन के अंदर हो रहा है, मेरे संगठन के अंदर, चाहे मैं झुक के चलाऊं चाहे मैं एक दूसरे को थप्पड़ मारूं, वो मेरे संगठन के अंदर है, मेरे घर के अंदर है। आप अपने घर के अंदर क्या करते हैं? ये क्या बात हुई वैभव अग्रवाल साहब, क्या कह रहे हैं आप? तो अभी तो देश के प्रधानमंत्री थे। एक मिनट अब या तो आप बोल लें मलिक जी या मैं बोलूं। नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए, आपको पूरा समय देंगे, बोलिए। थैंक यू। तो पहली बात तो वो मेरे घर का अंदरूनी मसला है, दूसरी बात जहां पे भी आपने जो जो एग्जांपल्स दिए, जिस जिस की जो गलती है, सरकार अपना काम कर रही है, लॉ अपना काम कर रहा है, यदि आपने कोई एग्जांपल दिया तो वो ऑलरेडी चार्जशीट हो रही है और उसमें कार्रवाई दिख रही है। आपका संगठन आपके मेंबर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? आप बोलने की क्षमता रखते हैं? नहीं, लखीमपुर खीरी कांड आपके घर का मसला नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं अग्रवाल साहब, आप गलत बोल रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड आपके घर का मसला नहीं है कि संगठन कार्रवाई कर रहा है, आप थोड़ी ना कार्रवाई करेंगे। मैंने नहीं बोला कोर्ट कार्रवाई करेगा। नहीं, एक मिनट कविंद्र जी, वो एक सरकारी मसला है, उस पे लॉ अपना काम कर रहा है, वो एक लीगल काम है, वो ना तो मेरा मसला है, ना आपका है, ना इनका है, देश का मसला है। हाँ, ना ही संगठन देश का कानून उसपे व्यवस्था कर रहा है। हाँ, बड़ी साफ बात कह रहा हूं मैं। हाँ, तो इसमें मैं अपने शब्दों को राजनीतिक प्रारूप से तोड़ मरोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। नहीं, कोशिश तो आपने की फिलहाल, मैं केवल ये कह रहा हूँ पार्टी के अंदर समय इतनी इजाजत अगर कोई आपस में एक दूसरे में बात कर रहा है तो वो हमारी मसला है, हम पब्लिक में जाके किसी को जूता थप्पड़ तलवार नहीं मार रहे हैं, ठीक है, किसी की सुरक्षा पे सेल नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अजय मिश्रा टेनी को आप बर्खास्त नहीं कर रहे, इसलिए अजय मिश्रा टेनी को आप बर्खास्त नहीं कर रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, वो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई अपने आप चल रही है। नहीं, ये कानूनी कार्रवाई थोड़ी ना है, मैं उसकी टेनी साहब से तो इस्तीफा खुद ही ले सकते हैं। टेनी साहब से इस्तीफा लेने के लिए कौन से दरोगा से
कोई इस्तीफा लेने के लिए, वो आप कह रहे हैं इस्तीफा लेने के लिए, हो सकता है कई और लोग कह रहे हो इस्तीफा ना लेने के लिए। नहीं, उनका बेटा जो है, चार सीट में उनके बेटे का भी नाम है ना, इसलिए ठीक है ना, सबको बात सुन के उसकी गाड़ी, जिस गाड़ी से कुचला गया वो गाड़ी उनके नाम है और एफआईआर में उनका भी नाम था। आप दोनों ही तरफ एक बात बताइए, जिनका नाम एफआईआर में है उनसे बगैर पूछताछ किए चार्जशीट लगा दी। मैंने मलिक साहब पूरी इज्जत दी है आपको, आपके बोलने के बीच में व्यवस्था नहीं बिगाड़ी है मैंने, आप बड़े मेरे से नम्र निवेदन है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, संगठनों को आपस में बात करनी चाहिए, उनके एक संगठनात्मक कार्रवाई हो इस मसले पे और ये आगे दोहराई ना जाए। ठीक है, आप दोनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप दोनों ही पक्षों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यूं सार्वजनिक रूप से अब लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, इससे देश का नुकसान हो रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सावित मलिक साहब और वैभव अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन ये लड़ाई जो अब घर से निकल कर बाहर आ चुकी है, ये दरअसल बड़ा नुकसान कर रही है देश का। किसानों की परिभाषा बदल, नेताओं की परिभाषा बदल, परिभाषा सिर्फ गुंडे ही रह गई, गुंडे का अंत कब, ये जानना बड़ा जरूरी। फिलहाल के लिए कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, शुक्रिया। देखिए भारत @9 काविंद्र चौहान के साथ।